आज के टॉपिक में हम एमएस एक्सेल में सम इफ के फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो फार्मूला है जी एमएस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस एक फार्मूला है। अगर आप एक एमएस एक्सेल यूज़र हैं तो आपको ये ज़रूर सीखना चाहिए। सो इस फार्मूले की हेल्प से हम अपने डाटा को बड़े अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के साथ, ये आपके बहुत काम आने वाला है। हाँ जी, सबसे पहले हम एमएस एक्सेल को ओपन करेंगे। देखो यहाँ पे हमने सम इफ का जो टेबल है जो पहले से ही बनाया हुआ है, ठीक है। इसके सीरियल नंबर, कंपनी, प्रोडक्ट, प्राइस, क्वांटिटी और टोटल, ठीक है। जैसे कि एलजी का हमने टीवी लिया है और उसका जो प्राइस अब वो है 21,000। क्वांटिटी मतलब कि हमने कितने टीवी खरीदे हैं, मतलब हमने एक ही टीवी को ख़रीदा है। यहाँ पर हम इसका टोटल करेंगे, टोटल मतलब इसका हम भी इसको हम इससे मल्टीपल कर देंगे। इक्वल टू 21,000 को हम सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल ए को सेलेक्ट करेंगे और एंटर। इसका जो 21,000 आ जाएगा हम इसको ड्रैग कर देंगे, सभी के अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। अब जो फार्मूला है वो हम सम इफ का हम फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि हम सबसे पहले लगाएंगे इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ये मांग रहा है रेंज, यहाँ पे रेंज आ गई है। रेंज है एल, जो हमने कंपनी सेलेक्ट की है, जो भी आपने करना है कंपनीज या फिर प्रोडक्ट, ठीक है। कंपनीज हम सभी कंपनीज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ इसके बाद हम कॉमा, नेक्स्ट ये मांगता है कि क्राइटेरिया भी आपकी स्पेसिफिक भी कौन सी कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हो, या फिर अगर आप सभी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, जहाँ पर जो खाली सेल है इसके बिल्कुल नाल वाला या साथ वाला, इसके जो आगे वाला जो सेल है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम फिर से कॉमा लगा देंगे। अब लगाएंगे सम रेंज, ठीक है। सम रेंज हमें जो मतलब कि सारा हमने सम किया हुआ है या फिर प्लस किया हुआ है सभी प्रोडक्ट का, जहाँ पे हम सम रेंज इसको सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम प्रेस करेंगे, हम इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर एंटर। देखो यहाँ पे जीरो आ चुका है, ठीक है। जीरो क्यों आया है, क्योंकि हमने स्पेसिफिक किसी कंपनी को नहीं सेलेक्ट नहीं किया, जो क्योंकि हमने एक खाली सेल को सेलेक्ट किया था। जैसे ही हम जहाँ पे किसी कंपनी का नेम फिल कर देंगे तो इसका जो प्राइस है वो अपने आप अपने हमारे सामने आ जाएगा। जो 46,000 एल जी का क्यों आया है, क्योंकि एल जी दो बार आया है। एल जी जहाँ पे आया है टीवी पे और जहाँ पे आया है एल सी डी पे। देखो टीवी का प्राइस कितना है, 21,000, ठीक है। और जहाँ पर इसका जो प्राइस है नीचे एल सी डी का, इसका भी है, इसका है 25,000। अब हम इसको प्लस करके देखेंगे तो देखो 46,000 आ चुका है, ठीक है। 46,000 दोबारा एक बार और देख लो, जैसे कि इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट रेंज सभी हमें जो पहले हमने कंपनीज को सेलेक्ट किया था और अब हम ब्रैकेट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हम करेंगे कॉमा क्राइटेरिया, हम जो हम बिल्कुल इसके आगे वाला जो सेल है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको बाद फिर ब्रैकेट, फिर सॉरी कॉमा, जहाँ मुझे अब जो मांग रहे हैं सम रेंज। सम रेंज का मतलब जो भी हमने प्लस किया है जो प्राइस है और क्वांटिटी को हमने मल्टीपल के जो इसका जो प्लस आया हुआ है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, जहाँ पे जीरो आया है, ठीक है। हम जहाँ पे टीवी या फिर एलसीडी को फिल कर देंगे, जैसे कि हम टीवी को फिल कर दिया। टीवी देखो 53,000 आ चुका है। ये कैसे आया है, टीवी जहाँ पे आया 21,000, ठीक है, 21,000। और जहाँ पे जो टीवी का जो प्राइस है वो है 32,000 नीचे वाला, ठीक है, 32,000। इसको हम प्लस करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया और ऑटो सम। देखो जहाँ पर 53,000 यहाँ पे आ चुका है। ये हम बहुत ही सिंपल है। अगर हमने सभी कंपनी का निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, जहाँ पे हम सेल पे सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे हम जाएंगे डाटा में, ठीक है, डाटा में सेलेक्ट करेंगे। जहाँ पे एक आता है डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन पे हम सेलेक्ट करेंगे। इसके डाटा वैलिडेशन नेक्स्ट आता है एनी वैल्यूज, एनी वैल्यूज हम जाएंगे लिस्ट में। लिस्ट में जाकर जो जहाँ पे जो निशान है इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये जो सभी जो प्रोडक्ट्स के नाम है जो इसको हम सभी को सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे लाकर हम इसको करेंगे ओके। देखो जहाँ पे सभी कंपनीज आ चुकी हैं, जो भी कंपनीज आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे माउस का देखना है, माउस भी शायद दो बार आया है, जिसमें 1650 और जहाँ पे आया है माउस 250 रुपया, ठीक है। इसका जो टोटल प्राइस है वो अपने आप आ जाएगा। अगर आपने देखना है स्पीकर का, स्पीकर आया है 3500 रुपये का। देखो जहाँ पे 3500 आ चुका है,
और वो भी इन टेक्स्ट का, ठीक है। ऐसे हम इस तरीके से हम बड़े आसानी से हम सम इफ का फार्मूला लगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर। थैंक यू।